दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया की टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग के बारे में, जिनकी खूबसूरती देखने लोग दूर दूर से आते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। नंबर 10, वन सेंट्रल पार्क, सिडनी। वन सेंट्रल पार्क को लोगों के लिए 2014 में खोला गया। दोस्तों ये बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा सुंदर और ग्रीनरी से भरी हुई है। पूरी बिल्डिंग में आपको हरे भरे पेड़ नजर आएंगे जो इसे आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। इस बिल्डिंग में आपको 200 से भी ज्यादा पेड़ पौधों की वैरायटी देखने को मिल जाएगी। नंबर 9, दी एज, न्यूयॉर्क। ये बिल्डिंग USA के न्यूयॉर्क सिटी में है। 100 फ्लोर्स की इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से आपको न्यूयॉर्क सिटी का ऐसा व्यू देखने को मिलेगा जो आपको न्यूयॉर्क की किसी भी बिल्डिंग से नहीं दिखेगा। दोस्तों इस बिल्डिंग में बुलेट प्रूफ ग्लास लगाए गए हैं जो आसानी से नहीं टूटेंगे, और जब आप इसकी लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाते हो तो आपको सिटी का 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है। इस व्यू की खास बात यह है कि ये व्यू रियल नहीं है, बल्कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से बनाया गया है और ये आपको नकली नहीं लगेगा। पर दोस्तों आपको इस बिल्डिंग में घूमने के लिए $36 यानी कि ₹3,000 की एंट्री टिकट लेनी होगी। नंबर 8, मरीना बे सैंड्स, सिंगापुर। 2010 में स्टार्ट किया गया 2561 कमरों से बना ये 3 टावर्स वाला होटल मरीना बे सैंड्स सिंगापुर का 5 स्टार होटल है। इस होटल को खास बनाता है इसके 57th फ्लोर पे बना दुनिया का सबसे बड़ा इन्फिनिटी पूल। ये इन्फिनिटी पूल इतना बड़ा है कि देखने में ऐसा लगता है कि तीनों टावर्स पे एक बड़ी बोट खड़ी है। इस पूल में स्विमिंग करना आसमान में तैरने जैसा है। अगर आप ये एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आपको एक दिन के स्टे के लिए लगभग $34,000 देने होंगे। नंबर 7, टर्निंग टॉर्सो, स्वीडन। $220 मिलियन की लागत से इस 50 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग को स्वीडन के मॉल्मो सिटी में बनाया गया। इस बिल्डिंग को सिर्फ 5 सालों में बना दिया गया। इस बिल्डिंग की खासियत है कि इसे 9 ब्लॉक्स में बनाया गया, जिसे देखने में ऐसा लगता है कि एक के ऊपर एक 9 क्यूब्स को रख दिया गया हो। इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग का डिजाइन कुछ ऐसा किया गया कि इसका जो टॉप फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर के मुकाबले 90 डिग्री तक टर्न किया गया हो। इसी वजह से ये बिल्डिंग एक साइड से झुकी हुई लगती है, और पूरी बिल्डिंग को मजबूती देने और यूनिक बनाने के लिए एक साइड को एल्यूमिनियम के फ्रेम से बनाया गया। नंबर 6, लोटस टेम्पल, न्यू दिल्ली। लोटस टेम्पल दिल्ली के नेहरू प्लेस के पास स्थित एक बहाई उपासना स्थल है जो दिखने में एक लोटस फ्लावर की तरह है। यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं, बल्कि यहाँ पर अनेक धर्मों के विभिन्न पवित्र लेख पढ़े जाते हैं। ये टेम्पल अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। मंदिर के चारों ओर 9 दरवाजे हैं और बीचों बीच एक बहुत बड़ा हॉल स्थित है जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है। इस हॉल में करीब 2500 लोग एक साथ बैठकर शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। नंबर 5, बुर्ज अल अरब जुमेरा, दुबई। इस होटल को दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल माना जाता है। ये दुनिया के लग्जरी होटल्स की लिस्ट में सबसे टॉप पर है। दुनिया का ये होटल अपनी लग्जरियस चीजों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, और इस बिल्डिंग के टॉप पर एक हेलीपैड भी है। ये होटल रोल्स रॉयस और लैम्बोर्गिनी जैसी डिफरेंट टाइप की लग्जरी कार्स के साथ शटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर 9 अलग अलग इंटरनेशनल रेस्टोरेंट और 27 बार अवेलेबल है, और इस होटल में गोल्फ कार्ट की फैसिलिटी है जो मेहमानों को समुद्र तट से आने जाने में हेल्प करती है। यहाँ पर मरीना गार्डन नाम का एक ओपन इवेंट प्लेस है जहाँ फंक्शन, वेडिंग्स, कॉकटेल पार्टी, रिसेप्शन और बहुत कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आप इस होटल का फुल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आपको एक दिन के लिए 7,50,000 तक खर्च करने पड़ सकते हैं। नंबर 4, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, दुबई। दुनिया की ऐसी बिल्डिंग जो देखने में बिल्डिंग लगती ही नहीं है, बल्कि अगर आप इसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये बस एक रोड साइड अट्रैक्शन है। असल में इस बिल्डिंग में 7 फ्लोर्स है, और ये बिल्डिंग अपने दिए गए नाम म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर को जस्टिफाई करती है। इसके अंदर जाकर आप देख सकते हैं कि आने वाले 25 सालों में दुनिया टेक्नोलॉजी की किस हद तक चली जाएगी, और इसके डिजाइन में सबसे खास है इसके ऊपर अरबिक अक्षरों से लिखा हुआ डिजाइन, जिसमें लिखा गया है कि हम सैकड़ों वर्ष तक जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो सैकड़ों वर्ष तक चलेगा। नंबर 3, मर्देका टावर, मलेशिया। 1976 में इस बिल्डिंग को मलेशिया के कुआलालंपुर शहर में बनाया गया, जिसका दूसरा नाम फ्रीडम टावर भी है, क्योंकि इस बिल्डिंग को मलेशिया की आजादी के बाद बनाया गया था। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 644 मीटर है, इसलिए यह मलेशिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। 118 फ्लोर्स में से इस बिल्डिंग के 5 फ्लोर्स को अंडरग्राउंड बनाया गया। जब आप इस बिल्डिंग को देखेंगे तो आपका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसको एक डायमंड की तरह डिजाइन किया गया जो आज के मॉडर्न इंजीनियरिंग को दर्शाता है।
और अगर आप इस बिल्डिंग को रात में देखेंगे तो यह और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है, क्योंकि रात में लाइट्स के साथ यह बिल्डिंग चमकते हुए हीरे से कम नहीं लगती। ये बिल्डिंग शहर के बीचों बीच है, इसलिए लोगों को बाहर का व्यू दिखाने के लिए इसकी लिफ्ट्स को भी बिल्डिंग के बाहर की तरफ से ही बनाया गया, जिससे आप लिफ्ट में सफर करते समय पूरे शहर को देख सकते हैं। दोस्तों, इस बिल्डिंग में ऑफिस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हाउसिंग प्रॉपर्टी और ऑब्जर्वेशन के लिए अलग अलग डेक बनाए गए हैं। नंबर 2, शंघाई टावर, चाइना। 632 मीटर की ऊंचाई वाला ये टावर ब्यूटीफुल सिलिंड्रिकल शेप में बना हुआ है, जो ऊपर जाकर ट्विस्ट हो जाता है। इस टावर को जेंसलर आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया और इस टावर में आपको वर्ल्ड फॉरेस्ट एलिवेटर भी देखने को मिलता है। शंघाई टावर बुर्ज खलीफा और मेडेरका टावर के बाद दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इस टावर को बनाने में करीब 7 साल का समय और $2.7 बिलियन लगे थे। यही कारण है कि शंघाई टावर को दुनिया के सबसे लग्जरी टावर्स की लिस्ट में रखा गया। इस टावर को टनिंग टोरिसो टावर से मिलता जुलता बनाया गया। इस बिल्डिंग के ग्लास पैनल पर कितनी भी धूप पड़े पर बिल्डिंग का टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है। शंघाई बिल्डिंग में एक साथ 16,000 लोग आ सकते हैं और इस बिल्डिंग की पार्किंग इतनी बड़ी है कि आप इसकी पार्किंग में 1820 गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं। नंबर 1, बुर्ज खलीफा दुबई। जी हाँ दोस्तों, बुर्ज खलीफा को दुनिया की सबसे ऊंची और खूबसूरत बिल्डिंग का दर्जा दिया गया है। यह वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग दुबई में स्थित है। इस बिल्डिंग की टोटल लंबाई 828 मीटर है और इसमें 663 फ्लोर्स बनाए गए हैं। इस बिल्डिंग को 4 जनवरी 2004 में बनाना शुरू किया गया था और 1 अक्टूबर 2009 में बनकर कंप्लीट हो गई थी। इस बिल्डिंग में 57 लिफ्ट लगाई गई है, जो कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट में से एक है। इन लिफ्ट की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। बुर्ज खलीफा को मल्टीपर्पस यूज के लिए बनाया गया है, जिसमें कि होटल, ऑफिस और रेस्टोरेंट जैसी कई सारी चीजें अवेलेबल है। इस बिल्डिंग की खूबसूरती और ऊंचाई को देखने के लिए लोग दुनिया भर से यहां घूमने आते हैं। ये बिल्डिंग अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड टॉलेस्ट रेस्टोरेंट और यूनिक ग्लास पैनल जैसे कई चीजों के लिए फेमस है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।